हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम बात कर रहे थे कि रूस और चीन किस तरह अमेरिका से सुपर पावर स्टेटस छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका किस तरह इन ताकतों से अपना वर्ल्ड ऑर्डर बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। यही आज की दुनिया की ग्रेट गेम है और यही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, 1500 साल पहले की एक चीनी दास्तान है कि एक जनरल जिनजोंग बहुत अच्छा फाइटर था। वो तलवार से ही नहीं बल्कि 15 से 20 इंच की एक छड़ी नुमा चीज़ से, एक छोटे से हथियार से जिसे जियान कहते थे, उससे लड़ता था और मध्य मुकाबल की खोपड़ी तोड़ देता था। लड़ाई का यह ख़ास फ़न उसे अपने ख़ानदान से विरसे में मिला था और इस फ़न को इसी छोटे से हथियार के नाम की वजह से जियान कहते थे। ये हथियार और भी ख़तरनाक यूँ हो जाता था कि इसे एक्सपर्ट फाइटर्स अपने बाजू में, लंबी आस्तीन में या कमीज़ में किसी भी जगह आराम से छुपा सकते थे। फिर चूँकि इसका ब्लेड नहीं होता था, तेज़ धार आला इसके शार्प एजेस नहीं होते थे, तो कपड़ों में ये आसानी से छुप भी सकता था। वज़न भी इसका ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जाहिर है, जब इसे एक एक्सपर्ट हथियार के तौर पर जियान को इस्तेमाल करता था तो ये तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता था। अब दोस्तों, चीनी जनरल जिनजोंग ने वक्त के साथ साथ इस फ़न में कुछ और भी जिद्दत, इनोवेशन पैदा की और इसे एक नए कमाल तक पहुँचा दिया। इस खुफिया इनोवेशन के बाद ये फ़न, जिसका नाम जियान था, वो खुफिया इनोवेशन के शामिल हो जाने से अब जियान से शाशो जियान हो गया। जनरल जेंग ने इसमें महारत दोस्तों ये पैदा की थी कि वो इस बाजार मामूली सी स्टिक से मध्य मुकाबल के हाथ में जो भी हथियार होता था उसे तोड़ देता था या गिरा देता था। इसका दुश्मन चाहे लोहे का लिबास पहनकर आ जाए, वो इसी शाशो जियान तकनीक से और उस छोटी से स्टिक से उसे गिरा देता था और उसे लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ता था। ये फन था तो कमाल का, लेकिन हमेशा खुफिया रहा। जनरल जिनजोंग ने इसे अपनी अगली नस्ल को, अपने ख़ानदान को मुंतकिल नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं किया। गालिबन वो समझता था कि अगर मैंने ये भी सिखा दिया तो हो सकता है कल कलाम मुझे अपनों से ही कोई लड़ाई लड़नी पड़े। तब कोई तो ऐसा फ़न, कोई तो ऐसा हुनर होना चाहिए जो सिर्फ मुझे आता हो ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। तो दोस्तों, उस वक्त से चीन में कोई भी लड़ाई का या जंग का ऐसा हथियार, ऐसा तरीका जो खुफिया हो, जो देखने में हथियार ना लगे, आम सी रोज़मर्रा सी कोई चीज़ लगे, लेकिन असल में वो बहुत ख़तरनाक हथियार या तकनीक हो, उसे इस्तेमाल करने को शाशो जियान कहते हैं। आजकल चीनी डिफेंस डॉक्ट्राइन के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ऐसा तरीका जंग जिसमें आप दुश्मन से जंग तो कर रहे हो लेकिन वो समझ ही ना सके कि आप उसके साथ लड़ रहे हैं, उसे बेदस्तोपा कर रहे हैं, उसे लगे ही ना कि उस पर एक ख़तरनाक हथियार से वार हो रहा है, वो उसे एक रूटीन की चीज़ समझे और जब तक वो सारी गेम समझे तब तक दुश्मन अपना मकसद हासिल कर चुका हो। तो दोस्तों, चीन ने शाशो जियान डॉक्ट्राइन के तहत ख़ास तौर पर अमेरिका और अमरीकी डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रखा है, क्योंकि चीन दूबदू जंग में, हथियारों और टेक्नोलॉजी की जंग में अभी खुला मुकाबला नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। सो उसने शाशो जियान तकनीक को मैदान में उतारा है। अब वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है? तो मैक्यूरस फेलोज़ 1999 में दो चीनी कर्नल्स ने एक डॉक्ट्राइन पेश की थी। ये डॉक्ट्राइन चीनी फौज यानी पीपल्स लिब्रेशन आर्मी PLA के लिए पेश की गई थी। इसका चाइनीज़ नाम तो कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में इसे अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के नाम से तर्जमा किया गया है। ये डॉक्ट्राइन चीन का मॉडर्न शाशो जियान हथियार है, तकनीक है। इसमें बात हुई है कि आज की ग्लोबल वर्ल्ड में जंगी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। अब बाहिर तो दोस्तों, ये किताब, ये डॉक्ट्राइन मुस्तकबिल की जंगों, फ्यूचर वॉरफेयर्स और मॉडर्न वॉर्स के बारे में है, लेकिन असल में ये किताब बताती है कि अपने से बहुत ज़्यादा ताकतवर और टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला चीन ने, PLA ने कैसे करना है, और अगर अमेरिका से किसी वक्त जंग हो जाए, जंग लड़नी पड़ जाए, तो वो कैसे जीतनी है। इस डॉक्ट्राइन का लुबे लबाब ये है कि अमेरिका से जंग जीतने का बेहतरीन तरीका ये है कि उससे अभी जंग शुरू कर दी जाए और उन महाजों पर शुरू की जाए जहां अमरीकी फ़ौज दिफा करने के लिए मौजूद नहीं है। अब ये कौन से महाज हैं, कौन से फ्रंट्स हैं जहाँ अमरीकी फ़ौज दिफा के लिए मौजूद ही नहीं? दरअसल दोस्तों, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स समझते हैं कि अमरीकी मिलिट्री की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो जंग के मैदान को पूरा देख ही नहीं रहे। अमरीकी फ़ौज सिर्फ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट होने और इनोवेशंस करने ही को अपनी कामयाबी समझती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अनमैन्ड ड्रोन्स बना लिए हैं,
फाइटिंग रोबोट्स बना लिए हैं, फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स बना लिए हैं, रेडार्स को धोखा देना शुरू कर दिया है वगैरह वगैरह। तो अब उन्हें बाकी तमाम दुनिया की आर्मीज़ पर, मिलिट्रीज़ पर बर्तरी सुपीरियॉरिटी हासिल हो गई है। अब वो उनका ख्याल है कि मुस्तकबिल की जंगें जीतने के काबिल हो चुके हैं। चीनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक यही सोच अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अमेरिकी उन वॉरफेयर्स को नज़रअंदाज किए बैठे हैं जहां जंग से पहले जंग होती है। अब ये वॉरफेयर्स कौन से हैं? मॉडर्न शाशोजियान अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के मुताबिक इन वॉरफेयर्स में लॉफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर और साइबर या नेटवर्किंग नेटवर्क वॉरफेयर शामिल है। इन सब पर दोस्तों हम ग्रेट गेम की इन्हीं वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हैरतअंगेज तौर पर साइबर वॉरफेयर वो मैदान है जहां चीन अमेरिका को मुसलसल शिकस्त दे रहा है। अब वो कैसे? दोस्तों ये 17 अप्रैल 2021 की मशहूर ज़माना तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी, जब काबुल से उड़ने वाले अमेरिकी तैयारे के पेट में 640 अफगान आकर बैठ गए थे। ये अफगान यहाँ क्यों और कैसे आए थे, इस पर आप हमारी ये पूरी सीरीज तालिबान वर्सेस अमेरिका देख चुके हैं और ख़ास तौर पर ये किस्त में इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि ये जहाज़ बोइंग कंपनी का C-17 है। ये अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन कार्गो मिलिट्री प्लेन है। ये कितने काम का तैयारा है इस बात का अंदाज़ा तो आप यहीं से कर लें कि ये सैकड़ों की तादाद में लोगों को सामान समेत उठाकर आसानी से सात समंदर पार चले जाने की सलाहियत रखता है। फिर यह तैयारा अमेरिकी फ़ौज के इतने काम आता है कि इसी में वो अपनी पूरी की पूरी एक बटालियन या कई कंपनीज को टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों, जीप्स, असले और हैमो समेत कहीं भी मुंतकिल कर देता है। ये अमेरिका का महंगा तरीन मिलिट्री प्लेन है, कार्गो प्लेन है। इससे ज़्यादा खर्चा अमेरिका ने आज तक और किसी जहाज़ पर कभी नहीं किया। इस अजीम जुस्सा इतने बड़े तैयारे बोइंग C-17 की तैयारी में, इस टेक्नोलॉजी को कामयाब करने में अमेरिका को 31 अरब $31 बिलियन लगे थे। ये इतना अहम तैयारा है दोस्तों कि जब अमेरिकी सदर, अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो उनकी बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ लेमोजीन कारें, सिक्योरिटी अमले की बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कारें वगैरह सब कुछ इसी बोइंग C-17 पर ले जाया जाता है। तो ये कोई मामूली जहाज़ नहीं है। रूस और चीन समेत कई ममालिक इस जैसा एक सुपर कार्गो प्लेन बनाने की चाह रखते थे, लेकिन ऐसी सादा और पुरकार टेक्नोलॉजी, ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उनसे बन नहीं रही थी। अमेरिका ये टेक्नोलॉजीज इसी तरह छुपा कर रखता था जिस तरह कभी चीनी शहनशाह रेशम बनाने का फार्मूला छुपा कर रखा करते थे। मगर दोस्तों जैसे रेशम का राज गोरों ने चीनियों से छीन लिया था, तो C-17 इस बाग की मूली है। चीनियों ने इस राज पर $31 अरब खर्च करने के बजाय सिर्फ $1 मिलियन हैकर्स पर खर्च करके ये राज हासिल कर लिया। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों कि स्टीफन सू एक चीनी बिजनेसमैन था जिसका असल नाम सोबिन था। उसने चीनी मिलिट्री की मदद से अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन के साथ काम करने वाली दो इंतहाई अहम कंपनीज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी को टारगेट किया। लॉकहीड मार्टिन दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। ये उड़ने वाली चीज़ें बनाती है, हवाई चीज़ें, मतलब एरोप्लेन्स वगैरह, दूसरी हवाई चीज़ें नहीं। ये दोस्तों वही कंपनी है जिसने F-16 जैसा फाइटर जेट बनाया था और अब ये F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना रही है। ऐसे लड़ाका तैयारे जो रेडार सिस्टम को भी धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी कंपनी बोइंग है जो कि जहाज़ बनाने वाली दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी एरोबस है बाय द वे। तो दोस्तों ये बोइंग कंपनी वही है जिसके एक तैयारे बोइंग C-17 की कहानी आपने इस वीडियो के शुरू में जानी, वो बड़ा सा तैयारा जिसके पेट में सैकड़ों 600 से ज़्यादा अफगान बैठे हुए थे। जबकि हवाई अड्डों पर खड़े बड़े बड़े बोइंग 747 और 777 वगैरह जैसे तैयारे जो आपने देखे होंगे वो भी इसी कंपनी के हैं, बोइंग के। ये दोनों कंपनीज दोस्तों अमेरिकी डिफेंस के लिए इतनी अहम हैं कि अमेरिका इनको रिसर्च के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्राहम करता है। अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन की फ्यूचर रिसर्चेज में ये दोनों इदारे बुनियादी किरदार अदा करते हैं, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम होती है। क्योंकि अमेरिकी फ़ौज को दुनिया की तमाम मिलिट्रीज पर जो सबकत हासिल है, जो सुपीरियॉरिटी अमेरिकी फ़ौज को है, वो इन्हीं कंपनीज की वजह से तो है। यही इनोवेशन करती हैं तो अमेरिकी फ़ौज के पास ऐसे ऐसे हथियार आते हैं कि जो किसी और मुल्क के पास नहीं होते।
तो आपको समझ जाना चाहिए कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी अमेरिका के लिए कितने अहम और सेंसिटिव इदारे हैं। तो दोस्तों, चीनी नेशनल स्टीफन सू ने कनाडा में $2 मिलियन का एक अच्छा सा घर खरीद रखा था जहां वो रहता था और उसके बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़ते थे। उसने कनाडा में एक दरमियाने दर्जे की कंपनी लो टेक बनाई जो एरोस्पेस कंपनीज को, जहाज बनाने वाले इदारों को केबल्स वगैरह सप्लाई करती थी। उसने 2009 से 14 तक इन 5 सालों में इसी बिजनेस की वजह से बहुत से अमरीकियों और कैनेडियंस के साथ मजबूत बिजनेस ताल्लुकात बना लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के साथ जो अमरीकी या कैनेडियन दिफाई इदारों में काम करते थे। वो उन लोगों को भी महंगे होटलों में खाना खिलाता था जो ऐसे लोगों को जानते हों जो जदीद टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले इदारों में काम कर रहे होते थे। यूँ एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे सोर्स तक पहुँचते पहुँचते वो उन लोगों तक पहुँचता चला गया जहाँ से वो मालूमात मिल सकती थी जिनकी चीन को इंतहाई ज़रूरत थी। सोबिन को इस चीनी नेशनल को मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो बहुत दिलचस्प आदमी था, मज़े मज़े की बातें करता था, सीटल वैनक्वार और लॉस एंजलस के महंगे होटलों में डिनर्स करवाता था, लतीफे सुनाता था, कह कहे लगाता रहता था। गर्ज वो एक मुकम्मल तौर पर ऐसा पैकेज था जिसकी कंपनी तन्हाई और मसरूफ़ ज़िंदगी के शिकार लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं होती थी। चीनी बिजनेसमैन सोबिन अपने मिलने वालों में से उन लोगों को ख़ास तौर पर टारगेट करता था जो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या इन जैसी किसी कंपनी के लिए या इनके साथ काम कर रहे होते थे या इनमें काम कर रहे होते थे। फिर इन लोगों को कुछ फ्रैंकनेस के बाद वो बिज़नेस ऑफर देना शुरू करता था, यहाँ से उसका काम शुरू होता था। वो उन लोगों से कहता कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि मुझे आप अमेरिका का F-35 जेट फाइटर लाकर मेरे गैराज में खड़ा कर दें, लेकिन अगर आप इस तैयारे का कोई एक सिस्टम मुझे ला दें तो मैं इसे बहुत अच्छी कीमत में मार्केट में बेच सकता हूं और फिर हम इस प्रॉफिट को आपस में शेयर भी कर लेंगे। अब जिस सिस्टम को हासिल करने की वो बात शुरू करता था वो बाहर को बहुत सेंसिटिव सिस्टम नहीं होता था, चुनाचे मुनाफे के लालच में, ताल्लुक में या फिर बेज़रर चीज़ समझकर कुछ लोग डील कर लिया करते थे। अब ये तो हो गया उसका सोबिन का एक तरीका। दूसरा तरीका ये स्टीफन सोबिन ये इस्तेमाल करता था कि वो अपने ताल्लुकात की वजह से उन लोगों के ओहदे और काम मालूम कर लेता था जो अमेरिकी फ़ौज के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करते थे। वो उनके नाम और फ़ोन नंबर्स एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल में चीन भेज देता था। चीन में उसके दो साथी जो चीनी मिलिट्री से ही ताल्लुक़ रखते थे वो इस मालूमात का रिकॉर्ड रखते थे। ये काम सोबिन इतनी सादगी से करता था कि बाज़ुकात एक ईमेल में अटैच फाइल का पासवर्ड वही होता था जो ईमेल का सब्जेक्ट होता था। जैसा कि एक बार उसने ईमेल का सब्जेक्ट रखा माई फ़ोन नंबर, तो उसका मतलब था कि इस ईमेल में जो फाइल्स अटैच हैं उनका पासवर्ड उसका फ़ोन नंबर है। इसी तरह वो एक और काम भी तवातुर से करता था, मुसलसल करता था। काम ये था कि वो उन अहम कंप्यूटर्स और सोर्सेज की लोकेशंस, वहाँ काम करने वाले लोगों की पर्सनल मालूमात, उनके ओहदे, उनके वेंडर्स के नाम, उनकी ईमेल्स, उनकी तनख्वाहें, उनका एचआर रिकॉर्ड, सब कुछ अपने चीनी मिलिट्री हैकर्स दोस्तों को भिजवाता था। अब ये मालूमात एक ख़जाना थी क्योंकि इसी मालूमात से हैकिंग में मदद मिलती थी। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों के चीनी हैकर्स के पास अब हसास और अहम तरीन जगहों पर काम करने वाले सब लोगों की ईमेल्स और रबते वगैरह तो आ चुके होते थे। वो इनकी ऑफिस टाइमिंग्स और दोस्तियां किसकी किसके साथ हैं, क्या क्या ताल्लुक हैं, वो भी जान लेते थे। तो अब वो ये करते थे कि किसी एक सीनियर पर्सन को बाहर उसी के किसी करीबी कुलीग की तरफ से ईमेल या मैसेज करते थे। इस ईमेल में कोई ख़ास फाइल या प्रोडक्ट पिक्चर या किसी सिस्टम की ड्राइंग मांगी जाती थी। ऐसे जैसे रूटीन में एक कुलीग या एक कंपनी में काम करने वाले लोग एक दूसरे से कुछ चीज़ मांगते हैं काम की। साथ ही इन ईमेल्स में, इन मेल में कोई डॉक्यूमेंट या लिंक भी होता था खुफिया। फिर जैसे ही कोई कुलीग बाहर अपने साथी की तरफ से आई हुई ईमेल में मौजूद डॉक्यूमेंट या लिंक को क्लिक करता था या फाइल डाउनलोड करता था तो उसको इल्म हुए बगैर उसका कंप्यूटर चीनी हैकर्स की दस्तरस में आ चुका होता था और वो खामोशी से हैक हो चुका होता था, इंट्रूजन हो चुकी होती थी। फिर चीनी हैकर्स इसकी फाइल्स चेक करते थे, कॉपीज़ बनाते थे और उसके ज़रिए उस कंपनी के सारे कंप्यूटर नेटवर्क में भी घुस चुके होते थे, जहाँ से उनको वो हज़ारों लाखों फाइल्स और उनकी मालूमात मिल जाती थी जिन्हें वो सोबित को देते थे और पूछते थे कि इनको देख कर बताओ कि इनमें से कौन सा डाटा है जो हमारे काम का है और कौन सा बेकार है। सोबिन जो था दोस्तों वो उन चंद लोगों में से, शायद दुनिया के उन चंद लोगों में से था जो स्पाइंग, नेटवर्किंग, हैकिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस
इन सारी फील्ड्स को एक साथ बहुत अच्छी तरह समझता था। फिर वो चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश तो जानता ही था, लेकिन वो साथ ही इन कंपनीज़ की, इन हाईटेक कंपनी की तमाम उन टेक्निकल टर्म्स के नाम भी जानता था जो अमेरिकन यूज़ करते थे और जो चाइनीज़ यूज़ करते थे। ये दोनों किस्म के नाम भी, वो टेक्निकल नाम और जो रूटीन में टर्म यूज़ होती थी उनको जानता था। इसीलिए वो हज़ारों फाइल्स के नामों को छान कर बहुत जल्दी अपने साथी हैकर्स को बता दिया करता था कि इनमें से कौन सी फाइल्स और कौन से कंप्यूटर की मालूमात उनके काम आएंगी। तो वो फिर हैकर्स उन फाइल्स और उन कंप्यूटर्स को के ऊपर ज़्यादा काम करते थे और उनको डिक करते थे। जब ये फाइल्स हैक करके उसे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी तो फिर वो दिन रात लगाकर सोबिन उन ज़रूरी फाइल्स की चीनी ट्रांसलेशन करता था। सोबिन एविएशन और बिजनेस की आपको बता चुके हैं हम, चीनी और अमेरिकन दोनों टर्म से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। सो ये काम उसके लिए आसान था लेकिन मेहनत तलब था। इसको तर्जमा करके, ट्रांसलेट करके वो इन फाइल्स को हांगकांग या मकाओ, जो कि चीन के अंडर एक नीम खुद मुख्तार सेमी ऑटोनमस रीजन हैं, वहाँ भेज देता था। यानी चीन का हिस्सा तो है लेकिन उसमें खुद मुख्तारी बहुत ज़्यादा है। यही उसके चीनी हैकर्स दोस्त एक ऑपरेशन रूम में इस सारी मालूमात का रिकॉर्ड रख रहे होते थे। हांगकांग या मकाओ में ये रिकॉर्ड वसूल करने और महफूज रखने की एक वजह ये थी कि अगर कल कला कोई इंटरनेशनल प्रेशर, कोई आलमी कानून हरकत में आए, कोई दबाव आए, तो चाइनीज़ कह सके कि मेनलैंड चाइना से इस हैकिंग का कोई ताल्लुक नहीं। तो ये नीम खुद मुख्तार आज़ाद इलाके हैं, इनकी कार्रवाइयों का CCP से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हांगकांग और मकाओ के मशीन रूम से वो सारा डाटा एक बार फिर हार्ड शक्ल में प्रिंट करते थे, उसके कॉपीज़ निकालते थे या अलग हार्ड डिस्क में उनको कॉपीज़ करते थे, नई कॉपीज़ बनाते थे और फिर बजाय किसी नेटवर्क या इंटरनेट को इस्तेमाल करने के, कोई कार्गो कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करने के, वो ये सब कुछ डब्बों में बंद करके खुद चीनी मिलिट्री के ऑफिसर्स की निगरानी में मेनलैंड चाइना में ले जाते, चीन में ले जाते। वहीं पर फिर सारी मालूमात से फ़ायदा उठाया जाता था और उन कंपनीज़ को ये राज बताए जाते थे जिनसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी की हम पल्ला टेक्नोलॉजी तैयार करवाना होती थी। तो दोस्तों 2009 से 13 तक, 4 साल तक, चीनी हैकर्स ने इसी तरीके से बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे अमेरिका के सबसे अहम मिलिट्री एसेट्स को ऐसे देखा जैसे कोई अंदर का फर्द, अंदर का एक्सपर्ट देख रहा हो। 3 साल में चीनी हैकर्स ने सिर्फ बोइंग C-17 तैयारों के मतलब जो मालूमात कापी की वो 65 GB की फाइल्स थी, 65 GB की। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि टेक्स्ट और डिज़ाइन फाइल्स जो बहुत लाइट वेट होती हैं, चंद किलोबाइट की होती हैं, वो 65 GB में कितनी होंगी। वैसे आपकी मालूमात के लिए बता दें कि वो फाइल्स दोस्तों 6,30,000 से ज़्यादा थी। F-16 और F-35 तैयारे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की जो फाइल्स चीनी हैकर्स ने कॉपी की वो भी दसियों हज़ारों में थी। आप कह सकते हैं कि चीन बरसों तक पेंटागन के लिए काम करने वाली दुनिया की इन कंपनीज को आसानी से बेवकूफ़ बनाता रहा, पागल बनाता रहा। वो कंपनीज जिन पर दुनिया की सुपर पावर को भी ट्रस्ट था वो बेवकूफ़ बनती रही। दोस्तों इस कहानी का क्लाइमैक्स था नवंबर 2014। ये वो साल था जब चीन में एयर शो हुआ। इसमें दुनिया भर की एविएशन कंपनीज़ के जहाज़ों ने शिरकत की एक पार्किंग में, जहां अमेरिकी बोइंग C-17 खड़ा था, जिस जैसा कोई तैयारा, कोई जहाज़, कार्गो शिप दुनिया में किसी के पास नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद इस शो में उसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल उसी जैसा एक चीनी मिलिट्री कार्गो प्लेन आकर पार्क हो गया। ये 4 इंजन वाला चीनी जियान कंपनी का Y-20 कार्गो प्लेन था, बोइंग C-17 की डीटो कॉपी। ये कार्गो प्लेन इस वक्त चीन की सबसे बड़ी कामयाबी तसव्वुर हो रहा है, क्योंकि अब से पहले सिर्फ अमेरिका वो मुल्क था जो कम से कम वक्त में ज़्यादा फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह असलहे समेत पहुंचाने की सलाहियत रखता था। लेकिन अब चीन भी ये कर सकता है। चीनियों ने इसका डिज़ाइन अंदर से थोड़ा सा और कुशादा वाइड किया है ताकि इसमें चीन के सबसे बड़े T-90 टैंक्स जो हैं, बड़े बड़े टैंक्स, वो आ सकें। दोस्तों सोबिन की टीम ने बोइंग के बाद सबसे ज़्यादा डाटा लॉकहीड मार्टिन का हैक किया था। उन्हीं के जदीद तरीन फाइटर जेट F-35 की हूबहू नकल चाइना का J-31 फाइटर जेट है और भी तैयारे हैं। माहिरीन कहते हैं कि दोनों में बस एक इंजन का फ़र्क है, यानी चीनी तैयारा डबल इंजन है और अमरीकी सिंगल इंजन। लेकिन बात यह है कि इस तैयारे की असल खसूसियत तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इंजन नहीं। यानी रेडार को धोखा देने की सलाहियत इनकी असल खसूसियत है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने $11 अरब खर्च करके डेवलप की थी, उसका अहम तरीन हिस्सा चीन ने चंद लाख डॉलर्स में हासिल कर लिया।
ये है शाशोजियांग टेक्निक, क्योंकि अब मैदान में दोनों अमेरिका और चीन बराबर खड़े हैं इस लिहाज से। तो खैर, जैसे सोबिन की टीम ने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का दोस्तों डाटा हैक कर लिया था, उसी तरह उन्होंने और भी बहुत सी अमरीकी कंपनीज का डाटा उचक लिया था। अमरीकी मिलिट्री के 32 प्रोजेक्ट्स की तफसीलात भी उन्होंने उठाई, जंगी तैयारे बनाने वाली कंपनीज की टीम्स के पासवर्ड्स मालूम किए, उनके वेंडर्स की लिस्टें लीं, उनके मुआवजों की तफसीलात लीं, उनकी जॉब जेडीज लीं, डिज़ाइंस लिए, रूस और इंडियन मिसाइल सिस्टम्स का डाटा तक वहाँ बैठ के हैक किया, और ताइवान से तिब्बत तक की खुफिया सरकारी मालूम भी चीनी इन इसी टीम ने, सोवियत की टीम ने हैक किया। ये सब कुछ उन्होंने अपने मुल्क चीन के लिए किया, और साथ में ओपन मार्केट से भी इस पर पैसा बनाया, क्योंकि पैसा वो सिर्फ चीनी मिलिट्री से ही नहीं ले रहे थे, बल्कि वो इस डाटा को CCP से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उससे शेयर करने के अलावा और जगहों पर भी डार्क वेब में, ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया करते थे। जिस तरह एक ब्लैक मार्केट होती है दोस्तों, उसी तरह एक इंटरनेट की भी ब्लैक मार्केट होती है, जिसे डार्क वेब कहते हैं। वहाँ ये सब दिखता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों, ये हैकर्स ज़्यादा देर तक, चीनी हैकर FBI से बच नहीं सके। अमरीकी सिक्योरिटी इदारे पुराने वक्तों में 2001 में, आज से 21 साल पहले, रोज़ाना की 2 करोड़ फोन कॉल्स और ईमेल्स इंटरसेप्ट किया करते थे। मतलब ये सब उनके स्कैनर से गुजरती थी, जहां उन्हें कोई लफ्ज़ या गुफ्तगू का कोई हिस्सा मशकूक लगता था, उस पर फिर वो एक टीम बिठाते थे, छोटी सी टीम जो उस पर इंक्वायरी करती थी, उस पर काम करती थी। मगर आज दोस्तों, 5 अरब 5 बिलियन गूगल सर्चेस रोज़ होती हैं, 300 बिलियन से जायद ईमेल्स डेली एक्सचेंज होती है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक सेकंड में 3.5 मिलियन, 35 लाख ईमेल्स होती हैं एक सेकंड में। तो दोस्तों, इतनी ईमेल्स को हर वक्त स्कैनर्स में से गुजारना और फिर मशकूक ईमेल्स पर टीमें बिठाना किसी भी खुफिया इदारे के लिए नामुमकिन सी बात है। इसीलिए अब एजेंसीज ने नौजवानों की और फ्रीलांसर्स की, बल्कि हैकर्स तक की खिदमात हासिल करना शुरू कर दी हैं, ताकि उनसे मदद ली जा सके और सिर्फ उस मालूमात पर उन्हें खुफिया फंड से पेमेंट्स की जाएं जो कि उनके लिए कारामंद हो। यानी हैकर्स और नौजवान टीमें अपना काम करते रहें, जब कोई ऐसी मालूमात दें जो उस एजेंसी के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उस पर उन्हें कुछ पेमेंट कर दी जाए। तो अब ये तरीका है। तो ऐसी ही एक मदद दोस्तों, FBI लॉस एंजलिस के ऑफिस में किसी ने, हैकर ने या किसी फ्रीलांसर ने, 2014 में उनको दी। किसी ने FBI को एक चीनी जुबान में लिखी एक ईमेल के बारे में टिप दी थी। दरअसल बाहर इस ईमेल में कुछ भी खास बात नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन यही बात अब नॉर्मल थी, क्योंकि सब कुछ पासवर्ड में, कोड वर्ड्स में था, दिखने में नॉर्मल लेकिन असल में खुफिया पैगाम। बस एक गलती थी जिससे हैकर्स पकड़े गए। वो गलती थी, एक अटैचमेंट फाइल का नाम तब्दील नहीं किया गया था। इस फाइल का नाम था C-17 प्रोजेक्ट रिकॉनसेंस समरी। यहाँ से FBI को शक हुआ और उन्होंने इस सिस्टम की निगरानी शुरू करवा दी। उन्हें एक एक करके सबूत मिलते गए, और एक तस्वीर जो मेल में ही पोस्ट हुई थी, उससे उन्हें कनाडा में मौजूद सोबिन के बारे में भी मालूमात मिल गई, और साथ में ये भी कि 2 अफराद चीन में मौजूद हैं और उनका ताल्लुक चीनी सिक्योरिटी इदारे से है। ऐसी भी एक तस्वीर मेल में ही ट्रांसफर हुई थी, तो ध्यान से उन्होंने इसके बारे में मालूम कर लिया। FBI ने कनाडा से रابطہ किया, यानी अमरीकी FBI ने कनाडा से रابطہ किया, तो पता चला कि सोबिन अब किसी भी लम्हे चीन जाने वाला है, कनाडा छोड़ने वाला है। FBI उसे फौरन पकड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो अभी उनके हाथ से निकल जाता तो चीन से उसे वापस लाना नामुमकिन था। फिर ये भी अहम था कि अगर एक बार चीनी हैकर पकड़ा जाए, कोई भी पकड़ा जाए, तो अगले साल चीनी सदर अमरीका आ रहे थे, उनके सामने अमरीकी सदर बराक ओबामा ये मामला सबूतों के साथ उठा सकते थे। सो FBI ने पूरा जोर लगाया कि कनाडा सोबिन की गिरफ्तारी में मदद दे। कनाडा बगैर सबूतों के सोबिन को रोकने और गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मसला ये था कि उन्हीं दिनों कनाडा को भी एक शदीद परेशानी लाहिक थी। उनका सिक्योरिटी सिस्टम भी मुसलसल चीनी और रूसी हैकर्स के अटैक में था। सो इस परेशानी में मदद के लिए उन्होंने अमेरिका से तआवुन का फैसला किया और सोबिन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे पहले कि कनाडा उसे अमरीकियों के हवाले करता और अमरीकी उस पर राज चोरी करने का मुकदमा चलाते, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। चीन ने अपने मुल्क में मौजूद कई कैनेडियंस को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। चंद माह में गिरफ्तार होने वाले कैनेडियंस की तादाद 200 के लगभग थी। इनमें मरकजी केस मियां बीवी कैनेडियन शहरियों केवन और जोलिया गैरस का था। वो तवील अरसे से चीन में रह रहे थे।
उनकी गिरफ्तारी के बाद चीनी इंतज़ामिया ने कनाडा के सफारतखाने को पैगाम भेजा कि आपके शहरी हमारी हिरासत में हैं, आप उनके लिए वकील मुहैया करने का हक रखते हैं। ये दोस्तों चीन की तरफ से कनाडा को एक खामोश धमकी थी कि अगर वो उनके शहरी को अमेरिका के हवाले करना चाहते हैं तो 2-3 बार और सोच लें कि उनके शहरी भी हमारी हिरासत में हैं। अब कनाडा 2 आलमी ताकतों में फंस गया था। एक तरफ उसका ताकतवर तरीन हमसाया कानूनी तरीके से सोबिन को ले जाना चाहता था तो दूसरी तरफ कनाडा अपने शहरियों के लिए चीनी हुकूमत से नरमी हासिल करना चाहता था। सो कनाडा ने सोबिन को अमेरिका के हवाले करने के बजाय इस मामले को तवील कानूनी पेचीदगियों में कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया। उधर चीन में गिरफ्तार कैनेडियन जोड़े पर भी जासूसी के तकरीबन वही इल्ज़ाम लगे जो अमरीकियों ने सोबिन पर लगाए थे। ये कैनेडियन जोड़ा 1984 से चीन में रह रहा था, इंग्लिश जुबान सिखाता था और कॉफ़ी बेचना इनका कारोबार था। चीन ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों ख़ास तौर पर मर्द केवन गैरस कैनेडियन जासूसी इदारे की हदायत पर चीनी मिलिट्री की तस्वीर ख़ास तस्वीर उन्हें भिजवाता है। दीगर इल्ज़ाम भी इसी नौीयत के थे। साथ में चीन कनाडा पर दबाव भी बढ़ाता रहा कि वो सोबिन को अमेरिका के हवाले ना करें। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बार फिर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये था कि 2 साल तक कानूनी लड़ाई के बावजूद जब अमेरिका सोबिन को कनाडा से नहीं ले जा सका तो एक दिन सोबिन ने खुद अमेरिका जाकर अपना केस लड़ने का फैसला किया। उसके वकील का कहना था कि जितनी देर अमेरिका को मुझे ले जाने में लगेगी उससे कहीं कम वो सज़ा है जो इस जुर्म की अमेरिकी अदालतें दे सकती हैं। सो मैं खुद अमेरिकी अदालत में पेश होऊंगा और अपना केस लड़ूंगा। इसके पीछे ये बात भी थी कि उसके वकीलों ने उसे गालबन बता दिया था कि अगर वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर देगा तो उसकी सज़ा कम भी हो सकती है। दूसरी बात ये भी थी कि चीनी कैनेडियन और अमेरिकी अहलकारों में मामला तय पा गए थे। सो अमेरिकी अहलकार अमेरिकी सिक्योरिटी अहलकार एक तैयारे पर सोबिन को इस तरह अमरीका लेकर गए कि सीट के दोनों तरफ तनोमंद तगड़े किस्म के अमरीकी मिलिट्री अहलकार बैठे हुए थे और दरमियान में सोबिन सीट में धंस कर फंस कर बैठा हुआ था। रास्ते में एक सिक्योरिटी अहलकार ने सोबिन से पूछा कि आपका पसंदीदा एयरक्राफ्ट कौन सा है, पसंदीदा तैयारा कौन सा है। सोबिन ने उकताए हुए तंग आए लहजे में कहा, बोइंग C-17 के अलावा कोई भी। तो दोस्तों किस्सा मुख्तसर, सोबिन को अमरीकी अदालत ने 46 मंथ की सज़ा सुनाई जो कानूनी अंदाज से फिर पूरी हुई और अक्टूबर 2017 में मुकम्मल हो गई। सोबिन वापस चीन आ गया। इसी तरह कैनेडियन जोड़ा गैरस फैमिली उससे एक साल पहले तकरीबन सितंबर 2016 में 20,000 जुर्माने और 2 साल के करीब सज़ा काट कर कैनेडा वापस आए। मुकदमे के दौरान सोबिन ने 35 सफ़ा 35 पेजेस पर मुश्तमिल जो एतराफ़ी बयान जमा करवाया था उसमें वो सारी तफसीलात दर्ज थी जो हमने आपको सुनाई हैं। उसी ने बताया था कि वो किस तरह बोइंग और लॉकहीड मार्टिन समेत अमेरिकी इदारों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैक करता रहा है। उसे अमेरिका बार बार चोरी कहता है, डाका कहता है जो उसने किया, जबकि अमेरिका खुद चीन के साथ साल हा साल तक यही करता रहा है और यकीनन आज भी कर रहा है। एडवर्ड स्नोडन ने दोस्तों जो खुफिया अमरीकी डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे उनके मुताबिक अमरीकी सीक्रेट सर्विस बराह रास्त चीनी लीडर्स की गुफ्तगू सुना करती थी, वो भी चीन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी हवावे के सिस्टम में घुसकर। अमेरिका करता ये था कि वो हवावे के फ़ोन में ऐसा प्रोग्राम खुफिया तरीके से फिक्स कर देता था जिससे इस फ़ोन के करीब होने वाली सारी ऑडियो और वीडियोस उसके पास बराह रास्त आती रहती थी। फ़ोन कैमरे और फ़ोन के माइक पर कौन सा कवर होता है आपको पता है, इसे बंद के इसको बंद किया जा सके, होता तो कोई नहीं। तो अमरीकी खुफिया इदारे ये सब कुछ करते थे और गुमान यही है कि आज भी करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे या शायद कर भी रहे हों क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका बहुत आगे है। दोस्तों सोबिन की गिरफ्तारी और एतराफ़ जुर्म के बाद 2015 में चीनी सदर अमरीका गए। वहाँ बराक ओबामा से जो उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई उसमें यही साइबर वॉरफेयर सबसे अहम एजेंडा था। इतना अहम कि अखबारात में इसकी हेडलाइंस लगी। खबरों के मुताबिक दोनों हुकूमतों ने तय किया कि वो साइबर क्राइम से मिलकर निपटेंगी क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ने तस्लीम तो नहीं किया ना कि वो हैकर्स की मदद कर रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो दोनों ने ये तय किया कि अगर उनके मुल्क में कोई चीनी या अमेरिकी हैकर काम कर रहा होगा तो दोनों उसे पकड़ने में एक दूसरे से तआवुन करेंगे। ये बातें तय हुई मगर आप तो जानते हैं कि ताकत की जंग में
इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। आज भी चीनी या अमरीकी हैकर्स कोई भी अपने काम से पीछे तो नहीं हटा, बल्कि उन्होंने नए तरीके सीख लिए हैं। अमरीकी इदारे FBI के मुताबिक हज़ारों नहीं तो सैकड़ों चीनी हैकर्स मुसलसल काम कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर प्राइवेट हैं, जो अपने मुल्क की ज़रूरत समझते हुए हैकिंग करते हैं और फिर चीनी हुकूमत के नुमाइंदे तक मालूम पहुँचाते हैं। इससे वो पैसा भी कमाते हैं और इसे वो अपने मुल्क की खिदमत भी समझते हैं। बल्कि दोस्तों आपको बताएं कि अब 2022 में तो चीनियों ने ये तरीका भी बदल लिया है कि वो अपनी टीम का एक रुकन अमेरिका या कनाडा या बरतानिया में अपॉइंट करें। अब वो बग़ैर किसी फ़र्द को अपॉइंट किए कोई ऐसा कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, ये उनके पास सलाहियत आ चुकी है, कि जिसके ज़रिए वो सारे सिस्टम में घुसकर हैकिंग कर लेते हैं। FBI के मुताबिक वो 10% या इससे भी कम मालूम रखते हैं कि हमारे किस सिस्टम में चीनी हैकर्स की इंट्रूजन्स हो चुकी हैं, जैसा कि सोबिन ने की थी उस तरह की, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं हैकर्स और इतने ज़्यादा हैं और इतने तेज़ हैं कि उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो इन हैकिंग से खुद को बचाना तो चाहता है लेकिन बचा नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही अमरीकी इदारों को पता चलता है कि किसी इदारे में कहां कहां चीनी हैकर्स हैकिंग कर रहे हैं और वो इस हैकिंग को रोकने के लिए पहुंचते हैं, उसी वक्त चीनी हैकर्स को भी पता लग जाता है कि उनका ये तरीकाकार पकड़ा गया है। सो वो फौरी तौर पर वहां से हट जाते हैं और अपने तमाम ट्रैक्स क्लियर करते हैं, कोई ट्रेल पीछे नहीं छोड़ते। अगली बार वो ज़्यादा अपडेट होकर नए नेटवर्क और नए तरीक़ाकार के साथ नए नामों से आ जाते हैं, क्योंकि चीन इसे एक जुर्म नहीं समझता और ना ही उसके शहरी जो उसके लिए काम कर रहे होते हैं वो इसको क्राइम मानते हैं। वो इसे एक जंगी पॉलिसी के तौर पर लेते हैं और पूरे जोश व जज्बे से इस पर अमल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भले अभी हमारी अमेरिका से जंग नहीं हो रही लेकिन हो तो सकती है ना, तो अगर लड़ना पड़ गया, लड़ाई का वक्त आ गया, तो बराबर की टक्कर देने के काबिल तो हमें होना चाहिए और इस बराबर की टक्कर के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई साइबर वॉरफेयर की वो मिसालें जिनसे आप इस ग्रेट गेम में चीन के किरदार को देख सकते हैं। अब आते हैं चीन की दूसरी दो टेक्निक्स, लॉफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर। दोस्तों ये वीलॉग चूँकि बहुत तवील हो चुका है, सो हम ये बातें अगले वीलॉग में करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एल्गोरिदम्स कैसे इस ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुके हैं। ये गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा के एल्गोरिदम्स कैसे जासूसी करने के और जासूसी में काम आते हैं। फिर आपसे रूस की वो साइबर वॉर भी शेयर करेंगे जिससे उसने यूरोप के खिलाफ एक ग्रेट गेम का सबसे बड़ा फ्रंट खोल रखा है। इससे पूरा यूरोप, नेटो और अमेरिका भी सर पकड़े बैठा है। इस पर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। ग्रेट गेम ज़रूर देखिए, ये आज की दुनिया में जारी सुपर पावर की वो लड़ाई है जो आप लाइव देख रहे हैं। दोस्तों दुनिया में कोई भी अमन का या जंग का वक्त नहीं होता, हर वक्त जंग और अमन साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर अमन का दौर होता है बज़ाहिर तो पसे पर्दा एक जंग पक रही होती है, अगर जंग का दौर होता है तो पसे पर्दा अमन की कोशिशें हो रही होती हैं। तो आज भी एक आलमी जंग जारी है, लेकिन ये एक स्टेल्थ वॉर है, शेडो गेम है, ग्रेट गेम है, कोल्ड वॉर है, शाशुजियान है, नए अंदाज, नए रंग ढंग आहंग से, नए अंदाजो अतवार से, पूरे जोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले की पहली तारफी कहानी जिन दोस्तों ने मिस की है वो अभी जाएं और यहाँ टच करके ये देखें। जबकि मुस्लिम दुनिया की आपसी ग्रेट गेम आप यहाँ जान सकते हैं और एवोल्यूशन क्या है, डार्विन कितना सच्चा और झूठा था, ये आप यहाँ देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस मुश्किल काम में जो हम आपके लिए कर रहे हैं, तावन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।